दोस्तों आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल का 20वां मैच खेला जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां लखनऊ की टीम ने इस आईपीएल में अब तक 4 मैच खेले हैं, उन्हें 1 में हार तो 3 मैचों में जीत हाथ लगी है। वहीं राजस्थान की टीम ने 3 मैच खेले हैं और उन्हें 2 में जीत तो 1 में हार मिली है। जहां लखनऊ की टीम अपने पिछले 3 मैच जीत कर आ रही है, तो वहीं राजस्थान की टीम अपना पिछला मैच हार कर आ रही है। जहां ये दोनों ही टीमें इस आईपीएल में काफी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, और ऐसे में आज इन दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल का 20वां मैच वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और ऐसे में ये दोस्तों आप जानते हैं इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच में कैसी होगी। और पहले बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की, तो लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में इवन लुइस, दीपक हुडा, आयुष बदोन, कुणाल पांड्या, जेसन होल्डर और कृष्णप्पा गौतम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में एंड्रू टाई, रवि विश्नोई और आवेश खान लखनऊ की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। वहीं अब बात करें राजस्थान की प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर और ये यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं मिडल ऑर्डर में देवदत्त पाडिकल, कप्तान संजू सैमसंग, सिमरन हिडमायर और रियान प्रयाग मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल राजस्थान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। और वहीं दोस्तों आज के इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 इस तरह होगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आज के इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे में अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।